हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज 75 डेज वेट लॉस चैलेंज का डे नंबर 17। सो स्ट्रेचिंग करेंगे सबसे पहले 5 मिनट्स के लिए, देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइजेस। तो जो आज मैं एक्सरसाइज करूंगी गाइज, ये हमारे एप्स के लिए हैं, एप्स प्लस कोर के लिए। तो बिकॉज गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें एप्स की जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अपनी कोर मसल पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोर मसल को स्ट्रांग करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपना टमी का फैट कम करने के लिए ज़रूरी है। तो ये बिगनर्स फ्रेंडली एंड सीनियर्स फ्रेंडली एक्सरसाइजेस हैं गाइज। बिकॉज मैं इसलिए ये चीज़ बोलती हूँ कि बिगनर्स फ्रेंडली, बिकॉज मेरे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, वो ना अभी बिगनर्स हैं। तो आई वॉन्ट कि मैं एडवांस के साथ साथ बिगनर्स के लिए भी एक्सरसाइजेस लेकर आऊँ। बस मैं ये ज़रूर मेंशन करती हूँ कि जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अगर मैं 5 kg के डंबल यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मैं एडवांस लेवल का वर्कआउट भी करती हूँ गाइज, एज यू नो कि मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है वर्कआउट करते करते। तो आप लोग विदाउट डंबल भी कर सकते हैं, एंड विदाउट डंबल नहीं तो आप 1 kg का डंबल जो है यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर बिगिनर्स। तो ये जो है गाइज, आज मैं ना 2 rounds करूंगी सारी एक्सरसाइजेस के, मतलब कि पहले मैं सारी एक्सरसाइजेस करूंगी। मैं टोटल 6 एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, जिसके सारे ही एक्सरसाइजेस के मैं 2 sets कर रही हूँ round 1 में एंड 12 repetitions, देन second round में भी 2 sets एंड 12 repetitions। सो इस तरीके से जो है टोटल 4 हो जाएंगे, लेकिन हमने डिवाइड कर दिया है 2 rounds में, जिससे कि हमारे ऊपर एक टाइम पे ही ज्यादा बर्डन ना आए, बिकॉज एग्जॉशन काफी ज्यादा हो जाएगा गाइस। एंड इस जो ये एक्सरसाइजेस मैं कर रही हूँ ना, इस पे देखना आपका कितना ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट पड़ेगा टमी पे। एप्स के लिए काफी अच्छा है, अपर टमी एंड लोअर टमी के लिए काफी अच्छा है, प्लस इससे हमारी कोर मसल जो है स्ट्रांग होगी। तो ये काफी अच्छा वर्कआउट है गाइस बिगिनर्स के लिए भी, एंड अगर आप क्वांटिटी में नहीं कर सकते हो तो आप कम कर धीरे धीरे कर सकते हो, ज्यादा थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। मैं हर एक एक्सरसाइजेस के बाद 60 seconds का जो है रेस्ट लेती हूँ, देन उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो कंटिन्यू करते हैं अपना वर्कआउट, एंड अगर कुछ भी आपने पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर इसके बाद मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ आज की अपनी फुल डे की डाइट।
चलिए फ्रेंड्स, शेयर करती हूँ आज की अपनी फुल डे की डाइट आप लोगों के साथ। सो मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे चिया सीड वाटर लिया था। आप देखते होंगे पहले मैं नॉर्मल सिंपल ल्यूकोम वाटर लेती थी, बट अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, जैसे कि मैं चिया सीड वाटर ले रही हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक से ज्यादा हो गया है लेते लेते। एंड गाइस, चिया सीड जो है कभी भी डायरेक्ट नहीं कंज्यूम करना चाहिए, उसको हमेशा जो है ओवरनाइट सोक करके फिर कंज्यूम करना चाहिए। एंड इसमें इतना अच्छा क्वांटिटी में फाइबर होता है, एंड इसके और भी प्लस बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपनी ये फेवरेट स्मूदी ली, आई एम जस्ट लविंग इट गाइस। इतनी डिलीशियस लगती है ना, एंड इतना ज़्यादा फुलफिलिंग है। मैं सिर्फ इसमें हाफ एप्पल डालती हूँ, हाफ बनाना, 8 to 9 रेजिन्स, 8 to 9 आलमंड्स एंड 2 डेट्स। एंड उसके बाद ये एंड जो मैं मिल्क यूज़ करती हूँ गाइस, वो टोंड मिल्क है। तो आपने फुल के मिल्क नहीं यूज़ करना है, फैट वाला। तो उसके बाद लंच में मैंने यहाँ पे एक फुल साइज का क्यूकम्बर कट करके अपना सैलेड लिया था, मटर के लिए एक टुकड़ी दाल। आप देखते होंगे गाइस, हमेशा मेरी डाइट में जो है ना, लंच में स्पेशली मैं प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो आप ये प्रोटीन और फाइबर अच्छा रखें। देन मैंने घर का ही अपना मिर्च का बना हुआ अचार लिया था, कर ली थी। तो ये है हमारा आज का लंच गाइस। इसी तरीके से आप भी करिए, हेल्दी खाइए, वेल्दी रहिए। देन इवनिंग में मुझे काफी ज्यादा आज ना चाय के साथ रस खाने का मन कर रहा था, तो कभी आपका बहुत मन करता है तो खा सकते हो गाइस। कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता। एंड ये सूजी का रस है जो कि बहुत ही स्मॉल है साइज में। देन डिनर में मैंने राजमा राइस बनाई थी गाइस। राजमा राइस किसके फेवरेट नहीं है, तो मैं तो कभी भी स्किप नहीं करती हूँ खाना राजमा राइस। एंड राइस कौन कहता है कि मोटे हो जाते हैं राइस खाने से, अगर हर एक चीज का पोर्शन कंट्रोल रख के खाओगे तो किसी भी चीज से आप मोटे नहीं होगे। तो ये मेरी आज की फुल डे की डाइट। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।